गायत्री फुल वॉल्यूम में बजा। नहीं नहीं उर्मिला। क्यों नहीं क्यों नहीं? मक्खन में डुबो के छुरी मार के गया वो हमको मन्ना बुट्टा। लेकिन मम्मी उनकी बात गलत भी तो नहीं थी ना? लेकिन बात करने का ढंग भी तो सही नहीं था ना। मैं विनती करता हूँ, ऐसे कौन विनती करता है? महेंद्र वो हमारे घर में घुस के हमारे सामने बैठ के हमको इतना सुना कर गया और अब कुछ नहीं बोले। मियानी मिंदड़ी। अरे शू मियानी मिंदड़ी, घर में आया हुआ मेहमान होता है उर्मिला, और मेहमान अगर अपमान करे तो भी। अरे तो अपमान को अपनापन में बदलने की कोशिश करनी चाहिए डोबी। अन्ना साहब सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं प्रतिस्पर्धी भी बनने वाले हैं, समझी? अगर हमें शांति चाहिए तो पहले शांति बनाए रखनी पड़ेगी। उर्मिला हम गुजराती हैं, जैसा देश वैसा भेष, इसलिए कराओ के ऑफ कैरी ओके सेम अवे। उर्मिला। हाँ महेंद्र। रात के 2 बज रहे हैं। अच्छा ले, पर मैंने तो आपको टाइम पूछा ही नहीं, आप क्या फालतू में आके मुझे टाइम बता रहे हो? अरे वो अन्ना हमें महादेव पेट से बाहर जाने का रास्ता दिखा देगा डोबी। बंद कर टीवी। मेरी माँ बिल्कुल सही बोलती है आपके बारे में। उर्मिला तेरा पति खरगोश है, खरगोश कान खड़े करके बिल के बाहर तो निकलता है खाना ढूंढने के लिए, लेकिन जैसे ही खाना मिल जाता है जट से बिल में अंदर घुस जाता है वापस। और तेरी माँ वो तो भालू है, परवाही से किसी के घर में भी घुस जाएगी उधम मचाने के लिए। किसी ने कुछ बोला तो बस ऐसे पंजे उठा के हवा में मारेगी बावरी होकर। मींस कि आप ये तो मानते हैं ना कि आप खरगोश हैं? उर्मिला खरगोश अपने कान खड़े करके बिल से बाहर निकलता है खाना ढूंढने के लिए, लेकिन जैसे ही खाना मिल जाता है वो बिल में क्यों घुसता है ये पता है? क्योंकि बिल में उसका भूखा परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है, समझी डोबी? उर्मिला अभी यहाँ से कोई गुजरा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अरे चुप कर उर्मिला लीवर, चुप, जाके देखते हैं कौन घुसा है? चल। महेंद्र वहम था वहम, सब सुनसान पड़ा है, चुपचाप देखना। अरे सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने को बैठे हैं, चुपचाप देखना, समझते नहीं हो कोई आत्मा। ये देखो शमशान जैसी नीरव शांति पड़ी एकदम, ये खिड़की दरवाजे भी बंद है सब। उर्मिला शायद शायद ऊपर कोई गया। कोई नहीं है वहां पे। उर्मिला हाँ ऊपर देखा मैंने, अंदर घुसा। हाँ ऊपर एक 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 काम करते हैं। हाँ। मैं उसका पीछा करता हूँ, तू यहीं खड़े रहे। हाँ। दरवाजे के सामने, अगर वो दरवाजे से बाहर आए तो तू पकड़ लेना। ठीक है। ए, आया है नहीं, ऐसे बीच रात को पराए जेंट्स आदमी को मैं कैसे पकड़ लूं? उफो, चोर को बाहों में लेके हम दिल दे चुके सनम, नहीं करना है यूरोप के ब्रिज पे। हाँ हाँ बराबर। ये लाठी ले, अगर चोर दरवाजे से बाहर निकले तो उसके सर पे जोर से मार देना एक बार। हाँ ठीक। हाँ। मैं चलता हूँ संभाल के। आई विल मिस यू। बेवकूफ मैं क्या रही है? जोक्स जोक्स। महेंद्र ए मेरे गुजराती ऋतिक रोशन। हाँ बोल। अब जवाब दिया? मुझे लगी है मैं जाके आऊं। ओ गलत टाइमिंग। एक काम कर, चोर को टाइम प्लीज बोल के जाना, बोलना चोर भाई आप बाद में भागना, मैं तेरा बाथरूम जाके आती हूँ। हे महेंद्र इधर 100% कोई नहीं है, आप भी चलो घर, किसी ने देख लिया ना तो हमें चोर समझ बैठेंगे। तू जाके आना चुपचाप। हाँ।
कौन है? अरे मेरा मेरा मसाले का डिब्बा, ये चोर जोतना। आप शांत रहिए। अरे मैं शांत हूँ। अरे चोर शांत कैसे रहू? चोर घुस गया। चोर 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 भारतीय निर्मित। अरे प्रभाकर कैसे हो? अरे अभिषेक। अरे चोर 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 चोर। मैं भी आया, मैं भी आया, मैं भी आया। भले आपने मेरा नाम नहीं लिया लेकिन मैं आ सकता हूँ ना? अरे का पापा, चोर चोर घुस गया है हमारे घर में। चोर? उधर? वो खिड़की खुली है, उधर से ही भागा वो। अगर भाई पकड़। एक मिनट, मैं पकड़ूंगा चोर को, मैं पकड़ूंगा। भारती बहनी मुझे पकड़ने को देना चोर। बराबर। अरे क्या बरा बिरा। इंद्र को भी ना आधी रात को सब बहुत सोचता है जात जात का। ये तो कैसा भूत बंगला जाए। ये कौन है? अरे ये ए हाय ए महेंद्र चोर। हां महेंद्र किधर है? चाहिए चोर। ए चोर महेंद्र बचाओ। मिल महेंद्र ए चोर रुक जा। तेरे हाथ ना उसके पीछे। पकड़ो 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 पकड़ो। क्या हो गया? क्या क्या चिल्लाता है? अगर भाई 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 क्या चोरी की होगी? एक मिनट मैंने एक मिनट की गई शराब ऐसा कैसे हुआ? हाँ अंग्रेजी में की मंजे चाबी ना, तो चाबी का इशारा किया। अरे चुप बैठो। इस समय क्या वो इशारा बाजी पे चर्चा कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? नहीं बेटा, अन्ना साहब के घर में कोई घुसा था, हमें शक हुआ तो हम देखने आए। अरे ओ महेंद्र भाऊ, आपने हमको जगाया क्यों नहीं? जोयो जोयो। अरे जोयो जोयो क्या बोलिए ना आप। अन्ना साहब हमें यकीन नहीं था, सिर्फ शक था। मेरा प्रश्न बिल्कुल जायज है। अगर आप लोगों को शक था कि चोर है तो आप चिल्लाए क्यों नहीं? नहीं दूंगी जवाब। क्या कर लेंगे आप? अरे मम्मी शांति रखो। नहीं रखूंगी शांति। हमने जो किया उसके लिए थैंक यू तो दूर की बातें, आ तो जो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा सोला आना। बारह आना? हाँ भैया सेम अवे। सेम कैसे हुआ? आना है ना, बारह हो कि सोलह हो, क्या बीच रात को बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो? आ तो जो नेकी कर रहे दरिया में डाल। तू चुप रहे तो एक। अन्ना साहब आप ये जानना चाहते हैं ना कि हमने चिल्लम चिल्ली क्यों नहीं की? देखिए शक के बिना पे अगर हम आपको जगाते तब भी आप हमारे सर पे बैठते कि खाली पीली सगड़े ला कशाला जगाला। ऐसे पड़ोसी की नींद खराब नहीं ना करनी चाहिए थी महेंद्र भाऊ, ऐसा बोलते आप? वेरी गुड मेरे खरगोश। खरगोश? एक मिनट एक मिनट, रात को 2:15 बजे आप लोग जाग क्यों रहे थे? तो क्या कब सुनाई? ये भी ये लोग हमें पूछ के तय करेंगे। क्या कैसे होता था ये? तो प्रभाकर दादा ने शक किया इन पे। अगर भाई भाई मतलब आपको लगता है कि चोरी करने ये लोग अंदर घुसे थे? ये लोग तो कितने श्रीमंत है। शांत रहो। मैं शांति हूँ? भारती को बोल रही हूँ मैं। नहीं नहीं, हो सकता है प्रभाकर का शक पूरी तरह से गलत ना भी हो। मैंने शक किया ही नहीं है अन्ना। तू है ही भोंदो। अरे घर में चोर घुस के संसार बसा लेगा ना तो तभी भी उसके सामने बैठेगा और अपना वो गाना लिख के सुनाएगा, वो समंदर खारा होता है। एक मिनट अन्ना साहब, लेकिन अगर प्रभाकर ने शक किया भी होता तो वो गलत कैसे नहीं होता? अरे सीधी सी बात है ना अन्ना, देखो आप भाग के नीचे आए बरोबर, और वहीं नहीं तो यही खड़ी थी ना, तो कैसे हो दादा? ये देखिए गली की ओर जाते हुए तेल वाले पैर के निशान, देखिए ना। कहीं नवीन आता बगा। एक मिनट वहां खिड़की के पास दिए का तेल गिरा है, चोर के पैर तेल में गिरे होंगे इसलिए भागते भागते शायद ये निशान आए होंगे। नहीं देखो ना, देखो देखो चप्पल काटो, देखो देखो हमारे पैर में तेल लगा है कि नहीं। अरे अमोल
ऐसे वहां से ऐसे 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 करके क्यों देख रहा है? आ देख, मैं देख लो। अरे रुक। हाँ हाँ है है है। देखा? है? मस्त, वो सुगंध वाला क्रीम है, वो गंदा वाला तेल नहीं है। अमूल जाता। हो गई तसल्ली? शॉल शॉल चेक करनी है किसी को? शॉल? नहीं नहीं उर्मिला बहन, माफ करना, वो हड़बड़ी में बात का बतंगड़ बन गया। मैं क्षमा मांगती हूँ सबकी ओर से। ना ना निर्मिति बेनवे, जोत्सना? नहीं नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों औरतें हैं। ये जोत्सना है, ये निर्मिति है। नहीं नहीं, मैं बाल की खाल नहीं निकाल रहा हूँ। और चोर जरूर कोई औरत थी। पापा अब ये आपको कैसे पता? उनकी पहचान वाली होगी कोई रिश्तेदार, है ना? अमोद, पाँव के निशान देखी ना, इतने छोटे पाँव तो मेरे भारती के भीकू मामा, उनके पाँव की साइज 3 नंबर है। हाँ, और 60 साल की उम्र में भी चूचू वाले बेबी जूते पहनते हैं इसके मामा, है ना? पर वो चोर नहीं है ना, तो गप्पे बस। महेंद्र, बाज नजर है? तो अभी आपने बोला ना, तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि मैं जब उस चोर से टकराई थी तब मुझे तो पता चल ही गया था कि वो लेडीज है। अब आपको कैसे पता चला? महेंद्र, आज डोभा ने केम समझाऊ हुआ है? नहीं समझाया। अब समझ गया मैं, लेकिन पक्का वो औरत थी? 99.9% तो औरत ही थी। ठीक है ठीक है, चलो तो फिर सब लोग सो जाओ, चलो चलते हैं। गुड नाइट। देखा प्रभाकर दादा, खामखा अच्छे भरे लोगों पे शक करते हो आप। एक मिनट एक मिनट, तुम्हें ये भी शक हुआ था ना कि हम रात को 2 बजे तक क्यों जाग रहे थे? इनको तो सुन ले, मैं अपनी नई दुकान के पेपर्स चेक कर रहा था। हाँ, कैसी दुकान? अरे भारती वहनी बताएंगे ना महेंद्र भाव। हाँ क्या ये भारती, तुझे इनकी दुकान पे सेल्समैन की नौकरी बिक्री करनी है क्या? हाँ चलो सो जाओ सब लोग, हाँ किस्सा खत्म करो, चलो। एक मिनट, एक बार चेक तो कर लीजिए घर में से क्या मिसिंग है, पुलिस को बुलाइए। और अरे नहीं नहीं, पुलिस पुलिस नहीं, शुभ रात्रि, चलो। अरे महेंद्र भाऊ, उर्मिला बहन, दरअसल गर्मा गर्मी में मतलब क्या है ना, चोर बेर रोज तो नहीं ना घुसते घर में, तो ऐसी परिस्थिति को हम लोग संभाल नहीं पाए और ऐसे ही फालतू में आप लोगों पे शक भी किया। हाँ, और महादेव पेट में रहने वाले आप जैसे संस्कारी लोगों को ये शोभा नहीं ना देता है अन्ना साहेब। शुभ रात्रि। हाँ आप शांत रहिए। ओ प्रभाकर दादा, शुभ रात्रि। अरे काय शुभ रात्रि, अभी एक बात नोटिस की आपने? नहीं की, लेकिन मैंने की। तो वेरी गुड। अरे वेरी गुड काय वेरी गुड, मैंने क्या नोटिस किया वो नहीं जानना आपको? नहीं जानना रे बाबा, लेकिन मुझे बताना है। अभी जब मैंने महेंद्र भाव से पूछा कि उनका बिजनेस क्या है, तो देखा ना, हाँ देखा कैसे तत्ता पप्पा हो गए, फाफल्ले आंखें चुराने लगे। तो कोई गड़बड़ वाला काम धंधा भी तो हो सकता है ना उनका? वो तो हो, हमें उससे क्या रे। अरे प्रभाकर दादा, कड़क कसना है तुम्हारा? हाँ पड़ोसी है वो हमारे, भाईचारा बढ़ेगा ना, आना जाना होगा। पता नहीं क्यों लेकिन
मेरा मन यह कहता है कि नक्की ये महेंद्र भाव हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करेगा। आपको क्या लगता है? अहो, आप शांत क्यों हो? मैं शांति हूं। वही तो पूछ रही हूं, क्यों है शांत? अरे हाँ, क्या है ना, आदत हो गई है, तुम हमेशा बोलते हो आप शांत रहिए और मैं आज कब से छुपाए हुए जख्म फिर से ताजा हो गए। बहुत दर्द हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि वो चोर कुछ चुराने नहीं बल्कि देने आया था? मतलब अपने अमोल की? सुप्रिया अपने बच्चों के लिए कुछ रखने आई थी रात के अंधेरे में। मसाले के डिब्बे की जगह के आसपास देखो, जरूर उसने कुछ रखा होगा। प्यारे अन्ना, सादर प्रणाम। आप ये पेंसिल बॉक्स सारे बच्चों में बांट देना, लेकिन अपने नाम से, मेरे नाम से नहीं। आपकी सुप्रिया। आपका शक तो बिल्कुल। महेंद्र भाऊ जब बोले ना कि वो औरत थी, तभी समझ गया मैं कि वो सुप्रिया ही। कहना दादा होकर के भी मैं माँ की ममता महसूस करता हूँ बंड्या और मेनका के लिए, तो सुप्रिया ने तो जन्म दिया है अपने जुड़वा बच्चों को, है कि नहीं? तो वो तो, और कहना उसे अमोल से शिकायत है, बाकी अपने बच्चों को हमेशा वो। फिर क्यों चली गई इस तरह बच्चों को छोड़कर? वो अपने सगे माँ बाप को भी बिना बताए आलोप हो गई। नहीं, पर सुप्रिया की नाराजगी जायज है, वो अपने माँ बाप को कसूरवार मानती है ना। लेकिन मैंने सोचा कि शादी के बाद वो सब ठीक हो जाएगा, सब उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा और सब। लेकिन फिर ऐसे विचार से मैंने एक बेचारी अच्छी लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया। सुप्रिया अब भी आपका आदर करती है, इसीलिए तो इस खत में। ये उसका बड़प्पन है, लेकिन उसकी क्षमा पाकर मैं भी अपने आप को माफ कर दूं। इतना छिछोरा तो नहीं बन सकता ना मैं जोचना। तो क्या आप जिंदगी भर खुद को? समाधान, सुप्रिया को ढूंढकर वो जिस सुख की अधिकारी है, वो सुख उसे दिलवा कर मैं उसका जीवन संवारूंगा, यही प्रायश्चित होगा मेरा। सुप्रिया की शादी कराऊंगा मैं। हेलो हेलो अभिषेक, हाय। मैं तुम्हारा नंबर ही ट्राई कर रही थी। और मैं तुम्हारा? वो मेरी मम्मी, I'm really sorry, वो मेरी मम्मी है थोड़ी भावनगरी मिर्ची। तो मेरे अन्ना वो तो खुला पूरी मिर्ची है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो बेचारे थोड़े से सहम गए थे, वो कहाँ कुछ बोले। अरे वो तो एक्चुअली अन्ना लेडीज लोग के साथ ज्यादा गुस्से से बात नहीं करते, इसीलिए। और तुम्हारी मम्मी लेडीज है ना, सो अभिषेक मम्मियां यूजुअली लेडी ही होती हैं। नो नो, आई मीन आई नो व्हाट डू यू मीन स्टूपिड। एनीवे
मम्मी की ओर से वेरी सॉरी. नो 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 वरीज गायत्री, प्लीज डोंट से सॉरी प्लीज. और तो मैं फोन रखूं? नहीं नहीं मतलब व्हाटएवर. हेलो, शैल आई से गुड नाइट? इफ यू वांट टू. ओके गुड नाइट. ओके गुड नाइट. तो कोकणस्थ ब्राह्मण नहीं है, ऊपर से गुजराती है. नहीं,